हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा जीके टॉपिक है। आज हम इस सेक्शन में अपने एसएससी का पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर का 27 अगस्त का, ईयर फर्स्ट का, जो कि सिर्फ फर्स्ट का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे प्रीवियस सेक्शन में मैथ्स और इंग्लिश और साथ ही साथ जीएस का पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी कि यहाँ पर आपको संबंधित शब्द, अक्षर या फिर संख्या चुनना है। तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है डोंकी ब्रेज। जिस प्रकार से डोंकी ब्रेज से रिलेटेड है, उसी प्रकार से मंकी किस से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं डंकी। जिस प्रकार से गधा रेंगता है, यानी कि गधा जिस प्रकार से रेंगता है, यानी कि गधा जिस प्रकार से बोलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉइस से क्वेश्चन दिया गया। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, समरूपता का। उसी प्रकार से मंकी क्या करता है, यानी कि बंदर, तो जिस प्रकार से गधा रेंगना करता है, यानी कि जिसकी जो आवाज़ होती है उसे हम रेंगना बोलते हैं, उसी प्रकार से बंदर की जो वॉइस है उसे हम चहकना कहते हैं। चिंघाड़ना आप सभी जानते हैं, हाथी वगैरह, और गरजने का काम बुल वगैरह, एंड घुरघुराना जो पिक्स और कैमल्स जो साउंड करते हैं उसे कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चैटर्स, यानी कि चहकना। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये अल्फ़ाबेट पर डिपेंडेंट है। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जिस प्रकार से यहाँ पे ए बी डी ई एफ जी आई जे से संबंधित है, उसी प्रकार से आई जे एल एम किस प्रकार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको हमेशा ये चाहिए कि आप इन्हें नंबर्स में कन्वर्ट कर दें, मीन्स कि ए टू जेड तक की आपको पूरी नंबर्स याद होनी चाहिए। अगर मैं कहूँगी ओ कौन से पोजिशन पर आता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक्यूरेसी के साथ साथ में टाइम को भी मेंटेन करना है। आप भले ही एग्ज़ाम में इसे याद कर करके या काउंट कर करके लिख सकते हैं, मगर वैसे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, जब आप इन सभी को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ए जो है वो एफ से 5 कम है, या फिर एफ जो है एक से प्लस 5 ऐड करने से हमको मिलेगा, क्योंकि एफ की जो नंबरिंग होती है 6 और ए की होती है 1। उसी प्रकार से जी की नंबरिंग 7 एंड बी की 2, तो 2 में हमें 5 जोड़ने से 7 मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे 4 पे, D4 पे आता है, D4 पोजिशन पे आता है, उसमें 5 जोड़ने से हमें 9 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सीरीज जो है प्लस 5 से आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से जब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं I पे, तो I की नंबरिंग होती है 9, 9 में अब प्लस 5 जोड़ेगा तो आपका आंसर आ जाएगा N। देन हम 10 में प्लस 5 जोड़ेंगे, क्योंकि J की पोजिशन 10 होती है, तो 15, और 15 पोजिशन पे होता है हमारा O। देन 12 नंबर पे L आता है, उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। एंड 13 पे M आता है, उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 18, जो कि 8 की पोजीशन है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा N O Q R। आपको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पे थर्ड लेटर पे पहुँचेंगे आपको दिख जाएगा Q। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके अपने ऑप्शन सेकेंड और थर्ड तो वहीं पर कट जाएगा, तो इस प्रकार से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। जिस प्रकार से 81 से संबंधित है, उसी प्रकार से 64 किस से संबंधित है। तो ऐसे देखने में तो समझ में नहीं आ रहा है, मगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्यूब के फॉर्म में लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 एंड 4 का क्यूब 64। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आएगा आपका 3 का क्यूब, यानी कि 27। चलिए आगे बात करते हैं। आगे का भी हमारा क्वेश्चन एनालॉजी का ही है, तो आपको इसमें बताना है कि ऑड कौन सा है। तो आपके आंसर दिए हुए हैं स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग एंड ड्राइविंग। स्विमिंग की मतलब होता है तैरना, एंड सेलिंग की जो मीनिंग होती है वो होती है नौकायान या फिर समुद्री यात्रा। डाइविंग आप सभी जानते हैं कि पानी में करतब दिखाया जाता है, जो ऊपर से छलांग लगाते हैं अपने शरीर को अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ते हुए, एंगल बनाते हुए, उसे हम डाइविंग के नाम से जानते हैं। एंड ड्राइविंग तो नॉर्मली ड्राइविंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका जो ऑड आंसर है वो है ड्राइविंग। चलिए आगे बात करते हैं।
अब आपको इसमें भी ऑड छांटना है, तो आप इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको पहले इन्हें नंबरिंग में चेंज करना होगा। तो जब आप इन सभी नंबर को नंबरिंग में चेंज करेंगे, इन सभी लेटर्स को, तो आपको मिलेगा, पहले वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, आर जी टी एफ, तो इसकी जो हो जाएगी नंबरिंग 18, 7, 20 and 6। तो आप जब फर्स्ट दो नंबर को जोड़िएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 18 + 7 = 25, एंड नेक्स्ट दो 20 और 6, तो हो जाएगा 26। यानी कि शुरू के हम ऐड करने पे हमें 25 मिल रहा है एंड लास्ट के ऐड करने पे 26 मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच की गैपिंग 1 है। इसी प्रकार जब आप नंबरिंग करते हुए सभी के में जाएंगे तो आपको लास्ट क्वेश्चन पे आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि वी डी जेड सी है। जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो 22, 4, 26, 3, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा स्टार्टिंग के नंबर दो और लास्ट के दो नंबर्स का, वो 3 आएगा। तो यहाँ पे आपके जो ऑड हो जाएगा वो यही नंबर हो जाएगा, तो आप जैसे ही इनको नंबर में पुट करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऑड वन छांटना है। तो आप देखिए, जब आप इन सभी नंबर को जोड़ेंगे आपस में, 4, 4, 3 को आपस में जोड़िए, 4+8 and 8+3 = 11, इसकी जो सम आ रही है 11 आ रही है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, 6+3 = 9 and 9+3 = 12, इसकी एडिंग 12 आ रही है। थर्ड के देखते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक अप्रोच यही रहता है कि हम पहले इनको जोड़ के देखें, यहाँ से आंसर आता है तो ठीक, वरना हम फिर आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आप जोड़िए 8+2 = 10 और 10+1 = 11, यानी कि हमारा फर्स्ट और जो थर्ड है दोनों का आंसर 11 आ रहा है। आगे देखते हैं, 2+4 = 6 and 6+5 = 11, यानी कि जो हमारा ऑड वन है वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन, 6+3। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, यानी कि आपको डिक्शनरी के हिसाब से यहाँ पे वर्ड को अरेंज करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, आपको पता ही है कि डी डी सब में दिया है तो हमें डी को तो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वर्ड पर ध्यान दीजिए, डी वाई डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू एंड डी वाई। तो आप सभी जानते हैं कि जो W है वो Y से पहले आता है, तो आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बस आपको सेकंड और थर्ड को देखना है। तो आप देखिए, यहाँ पर I आ रहा है और थर्ड में E आ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि E जो होता है वो I से पहले आता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 12। यानी कि हमें इसे कैसे अरेंज करना पड़ेगा, 3, 2, 4, 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको फर्स्ट लेटर को लेकर नहीं चलना है, आप सेकंड और थर्ड लेटर पर ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि ई पहले आता है तो ई जो हो जाएगा हमारा सबसे आगे लिखाएगा, यानी कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, तो आपको उन ऑप्शन को चूज़ करना है जिसमें कि थर्ड ऑप्शन पहले दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ में थर्ड ऑप्शन पहले दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा थर्ड पहले आ गया। देन हमने देखा कि सेकंड, तो 3, 2, बस आपको जितना जैसे ही दिखा बाकी मैच कीजिए, 3, 2 नहीं है तो आपको बाकी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करिए, ऑप्शन को लेके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपका समय बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अब हमें इसी वही काम करना है, इनको हमको नंबर्स में चेंज करना है। जब आप इनको नंबर में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे डी एच एल 4, 8, 12, यानी कि इनके बीच में +4, +4 का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो पी टी एक्स, ये हो जाएगा 60, 20 and 24, +4, +4 का अगेन डिफरेंस है। देन बी एफ जेड, इसमें भी +4, +4, क्योंकि इसकी कोडिंग हो जाएगी 2, 6 and 10। अब आप देखिए, जब आप ऑप्शंस पे वर्क करेंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा के ओ एस, इसमें भी 11, 15 and 19, +4, +4 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं, जबकि आपने ऊपर क्वेश्चन में जितने भी सॉल्व किए होंगे वो सारे इवेंट्स नंबर आ रहे हैं। अब सेकंड पे देखते हैं एन आर वी 14, 18 and 22, तो यहाँ पे +4, +4 और वो भी इवेंट नंबर्स के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। अब यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी हुई है, आपको सीरीज़ का पैटर्न पता करना है। नॉर्मली हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए हम बेसिक अप्रोच लगाते हैं, प्लस करते हैं 28 और 33, 33 से 28 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा, 31 and 33 तो -2 आएगा, देन फिर 36 से 31 को करेंगे तो +5 आएगा, एंड 34 से 36 को -2, यानी कि हमें समझ में आ गया कि हमारी जो सीरीज़ है वो +2, -2, +2, -2 से आगे बढ़ रही है। आगे बात करते हैं, 34 में हमें प्लस ऐड करने पर
39 मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 29, यानी कि जो हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो यही है 29। चलिए आगे बात करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्वेश्चंस के वर्ड को समझना है। क्वेश्चन नंबर 10, द एज ऑफ राखी इज 12 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर अनुभा। इफ़ एज ऑफ अनुभा इज 3 ईयर्स नाउ, देन व्हाट वाज द एज ऑफ राखी 2 ईयर्स अर्लियर। यानी कि आपको यहाँ पूछा गया है कि राखी की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु के 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या रही होगी। अगर अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो इसका हम 12 टाइम्स कर लेंगे, तो 12 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आ जाएगा 36। अब चूंकि हमको यहाँ पर पूछा गया है कि 2 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या थी, तो हमें 36 जो है उसकी प्रेजेंट की ईयर है, तो 36 में हमको 2 माइनस करना है, तो हमारा आंसर 34 आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। सत्यस बर्थडे फॉल्स ऑन 15 अगस्त एंड मीनास बर्थडे फॉल्स ऑन 25 जून। इफ मीनास बर्थडे वॉज ऑन वेडनेसडे, व्हाट वॉज द डे ऑन सत्यस बर्थडे इन द सेम ईयर। यानी कि कैलेंडर क्वेश्चन पूछा गया आपको, अगर सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है, मीना का जन्मदिन अगर बुधवार को था तो बताइए सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष में कौन से दिन पे था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ज़रूरी होता है एक शॉर्ट ट्रिक की। तो सबसे पहले तो आपको मंथ कोड पता होना चाहिए, तो हम आपको मंथ कोड बता दे रहे हैं। जनवरी के लिए मंथ कोड 2, फरवरी के लिए 5, मार्च के लिए 5, अप्रैल के लिए 1, मई के लिए 3, जून के लिए 6, जुलाई के लिए 1, अगस्त के लिए 4, सितंबर के लिए 7, अक्टूबर के लिए 2, नवंबर के लिए 5 एंड दिसंबर के लिए 7। ये सारे जो ट्रिक्स हैं वो मतलब कि ईयर से डिवाइड करने पर बचते हैं, रिमाइंडर उस बेस पर लिए गए हैं। तो फिलहाल आप इन्हें जो है ट्रिक की वाइज में समझिए। और हमारे जो डेज हैं, वीक के जो डेज हैं, उनके भी कोड होते हैं। मंडे का 3, ट्यूसडे का 4, वेडनेसडे का 5, थर्सडे का 6, 3, 4, 5, 6 एंड देन फ्राइडे पे 0, सैटरडे पे 1 एंड संडे पे 2। तो इस तरीके से रहता है। अब चूँकि हमें सेम ईयर में बताना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ईयर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं y+y/4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट। तो यहाँ पर चूँकि ईयर की बात है ही नहीं, सेम ईयर में पूछा गया, तो हमें ईयर से कोई मतलब नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो मंथ कोड और डेट से आएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर 15 अगस्त की बात की गई है, तो 15 तारीख हमें मिल गया, डेट मंथ कोड देखिए 15 अगस्त, यानी कि अगस्त का जो मंथ कोड है वो 1 है, सॉरी अगस्त का मंथ कोड है 4, तो 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। और अभी हमसे कहा गया है 25 जून, तो डेट हो गया 25 एंड मंथ कोड देखते हैं हम, जून के लिए है 6, तो 25 प्लस 6 31। अब आप क्या करिए, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो आएगा 12 को 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो जब आप 12 को 7 से डिवाइड करिएगा तो आपका रिमाइंडर बचेगा 5। और जो भी रिमाइंडर होता है हम उसे दो रिमाइंडर्स लेते हैं, हमें एक रिमाइंडर मिलेगा 5, जबकि हमें हमेशा दो रिमाइंडर लेना होता है। तो रिमाइंडर हम इस हिसाब से लेते हैं कि दोनों की एडिशन जो है वो 7 आनी चाहिए, यानी कि जब हमारा फर्स्ट रिमाइंडर 5 आ चुका है तो हमारा सेकेंड रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर बचा सेकेंड वाला 2। तब आपको वेडनेसडे के 2 दिन बाद चलना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि मीना का जन्मदिन बुधवार को था और हमारा रिमाइंडर बचा है 2, तो हम बुधवार के 2 दिन बाद चलेंगे, बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार, यानी कि जो सत्या का बर्थडे है वो शुक्रवार को पड़ेगा। तो ये है आपका राइट आंसर। कैलेंडर क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना होता है, एंड बिना फॉर्मूला अप्लाई के आप नॉर्मली अप्रोच से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको यहाँ पे वो शब्द चुनने हैं जो कि दिए गए शब्द के अक्षर के प्रयोग से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा वर्ड क्या दिया गया है। हमको वर्ड दिया गया है एम्प्लीफिकेशन। आप यहाँ पर देखिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन है एक्टर। अब आप जो हमें क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है उसे हम एक्टर नहीं बना सकते क्योंकि इसमें हमें आर नहीं दिया गया है, सेकेंड है मैनर एंड थर्ड है चैप। आप देख सकते हैं कि हमें आर दिया ही नहीं गया है, तो हम सेकेंड भी नहीं बना सकते हैं एंड
हमें एच नहीं दिया गया है इसलिए हम थर्ड नहीं बना सकते हैं, जबकि हमारा जो फोर्थ आंसर है मेनिया, उसके सारे लेटर्स इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेनिया फोर। एसएससी की रीजनिंग जो होती है फ्रेंड बहुत ही ईजी लेवल की आती है, उतनी हार्ड नहीं पूछी जाती है। दो तीन क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो आप लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि जिस प्रकार से आप ब्लैक स्मिथ को CNBELUNKUJ में जिस प्रकार से कोडिंग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जो चिल्ड्रन दिया गया है उसकी कोडिंग क्या होगी। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन से अगेन हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, तो हमें इसे फिर से नंबरिंग में करना है। जब आप इसे नंबरिंग में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि B का हो गया 2 एंड C। B से हमको C से रिलेट करना है, फर्स्ट से सेकेंड को देखना है, तो B C से कितना आगे है, प्लस 1 आगे है। फिर है हमारा सेकेंड क्वेश्चन L, और यहाँ पर है N, तो L जो है वो N से दो पीछे है, या यूँ कहूँ कि जो N है वो L से दो आगे है, यानी कि आप देख सकते हैं कि सीरीज हमारी प्लस 1 प्लस 2 के हिसाब से चल रही है। चलिए और चेक कर लेते हैं, A फिर B यानी कि प्लस 1 देन C के बाद में E यानी कि प्लस 2, यानी कि हम श्योर हो गए कि हमारी जो सीरीज है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 के हिसाब से चल रही है। अब तो भी हमें इसी प्रकार से एडजस्ट करना है, तो C में हम प्लस 1 ऐड करेंगे तो D, H में प्लस 2 ऐड करेंगे तो J, I में प्लस 1 ऐड करेंगे तो J, यानी कि यहाँ से आप ऑप्शन देख के आराम से टिक कर सकते हैं। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा D J J N E T F P, प्लस 1 प्लस 2 के हिसाब से हमारी सीरीज चल रही है। चलिए आगे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चंस रहते हैं। अब 14 क्वेश्चन में देखने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 17 प्लस 17 इक्वल टू 2895, लेकिन अगर आपने इनके स्क्वायर्स याद किए होंगे तो आपको हल्का हल्का ये जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान में आ गया होगा। 17 का स्क्वायर 289, 18 यानी कि 18 का जो स्क्वायर होता है 324 एंड 19 का स्क्वायर 361। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं एंड लास्ट में 5 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा अगर आपको स्क्वायर याद है तो। इसलिए आपको ये सारे रॉ वर्क्स अपने घर पे ही करने हैं, कच्चा मटेरियल आपको अपने घर से ही तैयार करके ले जाना है। स्क्वायर्स हो गया कोडिंग डिकोडिंग के लिए, अल्फ़ाबेट्स के सारे नंबर्स आपको याद होने चाहिए, साथ ही साथ कैलेंडर सॉल्व करने के लिए मंथ्स को याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें को आपको घर से ही प्रिपेयर करके ले जाना है, ताकि वहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिखे आप अप्लाई कर सकें। अब देखिए हमें समझ में आ रहा है कि 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है, तो 529 और उसके बाद में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ पर आपको बताया गया है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम इक्वल स्टैंड फॉर डिवाइड, प्लस स्टैंड फॉर माइनस, एंड इंटू स्टैंड फॉर इक्वल, एंड माइनस स्टैंड फॉर प्लस, एंड डिवाइड स्टैंड फॉर इंटू, फाइंड द करेक्ट इक्वेशन। यानी कि अब आपको यहाँ पर ये सारे सिंबल्स को चेंज करके सॉल्व करना है इक्वेशन, देन आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यूब के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4, 5, 6 का क्यूब है यहाँ पे, 7, 8, 9, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब हम सभी जानते हैं 512, एटलीस्ट आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, एंड 30 तक तो कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, उससे ज़्यादा याद हो तो और भी अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये है क्वेश्चन, ये है कि अ मैन वॉक 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 12 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, हाउ फार इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पूर्व की ओर और उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले आप अपनी कॉपी में डायरेक्शन बनाइए और उस व्यक्ति को चलाइए, तो आप देख सकते होंगे कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट को मिलाएं तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हमें क्रॉस डिस्टेंस यहाँ पे बतानी है, तो क्रॉस डिस्टेंस के लिए अपना यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। आपके पास में 9 दिया हुआ है, 12, तो हमें हाइपोटेनियस एंड निकालना है क्योंकि क्रॉस डिस्टेंस है, तो हम दोनों का सम करके दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे रूट के अंदर, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों की एडिशन 225, रूट ओवर में
तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15, यानी कि वो व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 15 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन जो है वो कंडीशन वाले क्वेश्चन से। आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा अपने स्टेटमेंट पे ही ध्यान रखना है, भले ही स्टेटमेंट में कुछ भी बात लिखी हो, वास्तविकता से कितनी ही अलग हो, स्टेटमेंट्स में जो वर्ड्स दिए हैं आपको वही वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। अगर निष्कर्ष में वो वर्ड्स आपको नहीं दिखते हैं तो आपको अपनी ओर से कोई निष्कर्ष नहीं देना है। तो देखिए क्वेश्चन में है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन, जो आपका ऑप्शन है कौन सा यहाँ पे ट्रू है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन के यहाँ पे टिक लगाने हैं। चलिए तो बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो भी दिया गया है आपको खुद से नहीं सोचना है, जो भी दिया है आप बस उसे मानकर चलिए। निष्कर्ष दिए गए हमारे, गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है। अब देखिए क्वेश्चन में अव्यवस्था की बात की गई थी, जबकि यहाँ पर आपको ऑप्शन में व्यवस्था दिया हुआ है। सेकंड देखते हैं, गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, हमें क्या पता, हमें तो अव्यवस्था के बारे में बताया गया है। भले ही आप अपने लाइफ में रियलिटी में जो भी कहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन को कंसिडर करके चलना है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है, यानी कि फोर्थ आंसर जो है आपका सही है। चलिए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर आगे है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि इसमें कितने स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस एक फॉर्मूला की यूज़ करना है। और हमारा फॉर्मूला है n n+1 2n+1/6। अब यहाँ पर आप गिन लीजिए एक कॉलम में कितने आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, 1, 2, 3 and 4, यानी कि n की वैल्यू मिल गई हमने को 4। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पर आपको 30 वर्ग दिए गए हैं, 30 स्क्वायर हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी है, फाइंड द पार्ट विच रिप्रेजेंट दोज एक्टर हु आर ऑल्सो सिंगर्स। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि वो भाग को बताइए जो कि दर्शाता है कि जो अभिनेता है वह गायक भी है। तो अभिनेता हमारा कौन सा बॉक्स शो कर रहा है, ये बॉक्स आपको दिख सकता है राइट साइड में। तो आप देखिए कि हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है वो कॉलेज स्टूडेंट के बारे में दिया हुआ है, आप उसको छोड़ दीजिए। सेकेंड में आइए एक्टर एंड सिंगर, तो एक्टर और सिंगर में हमें दो चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, सी एंड ई हमको दिख रहा है। तो आपको ई तो कहीं ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या बचता है, सी। बहुत ही ईजी लेवल क्वेश्चंस रहते हैं, इन्हें आप आराम से देख के सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ये सभी बता सकते हैं, डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है कि फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर फिट होगा। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है कि आपको आकृति बताना है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन, यानी कि आपको क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है वो उत्तर आकृतियों में किसी में छुपा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एल है जिसके बीच में से डंडी निकली हुई है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी एल बना हुआ है, डंडी भी है, मगर वो ऊपर साइड पर, जबकि हम देख सकते हैं कि वो बीच में है। सेकेंड में देखिए आपको दिख रहा होगा एल और बीच में डंडी भी है। थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल, फोर्थ में तो एल बन ही नहीं रहा है और थर्ड में बन रहा है मगर डंडी नहीं है, तो आपका सेकंड जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, ये हमारा कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, तो आपका ये सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन कि जल प्रतिबिंब बताना है आपको। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे वाटर इमेज पूछा जाए तो वाटर इमेज में अप एंड डाउन चेंज होते हैं और मिरर इमेज में राइट एंड लेफ्ट चेंज होते हैं, अप एंड डाउन नहीं। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए अप एंड डाउन हमें चेंज करना है, तो जो 649 है वो ग्रुप के ऊपर आ जाएगा ऑप्शन में। तो आप ऑप्शन में देखिए कि कौन से में 649 ऊपर है, तो थर्ड और फोर्थ में ऊपर है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। अब हमें साइड चेंज नहीं करना है राइट और लेफ्ट, तो जब 6 ऊपर जाएगा तो ये राइट साइड की ओर मुंह है इसका, तो ऊपर जाने के बाद भी राइट साइड पे ही रहेगा। तो अपना आंसर देखिए जो कि राइट साइड को शो कर रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3। चलिए आगे बात करते हैं मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं फ्रेंड्स, आपको पूरा पूरा क्वेश्चन लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं कि वो बस क्वेश्चन देखते हैं और बनाने में भिड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी ईजी होती है ये, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है।
आप देखिए, आपको फर्स्ट लेटर एन दिख रहा है ना, तो आप एन पे वर्क करिए। आप देखिए कि एन कहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन में 56, 59, 56 एंड 57 दिया हुआ है। तो चेक करिए क्या 56 पे आपको एन दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, 56 पे तो के है। फिर देखते हैं 59। हाँ, 59 पे हमें एन दिखाई दे रहा है। हमारे फर्स्ट और थर्ड आंसर तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि 56 पे एन है ही नहीं। 57 देखते हैं, 57 पे है हमारा एल। यानी कि आप बस फर्स्ट लेटर को देख करके फटाक से अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम होशियारी के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जीके टॉपिक। होप सो यू लाइक इट, इन्जॉय इट। फ्रेंड्स, अगर आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।